allegations against Moha Mitro have been placed by the honorable member just now, I heard. So who can be the best person to reply to these allegations? It is the parliament. It will be on record that speech. But if Moha Mitro be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Moha Mitro be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे कल्याण बनर्जी no. What I propose, my party's spokesperson will be Moha Mitro herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, you have said the house has. The sir. House will go to take a decision. We'll expel her. Sir, माननीय जो सदस्य का निष्कासित का आज प्रस्ताव आ रहा है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एथिक्स कमिटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपके अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश और करी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमिटी था, इस कमिटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमिटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। कल्याण मनोजी जी, कल्याण नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस फोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमिटी में बोलने का पर्याप्त अवसर पर्याप्त मौका रहता है और नौ मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ मैं। आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा, मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। और यहाँ पर इस सदन में एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपरा है उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं, ये उनके होते हैं। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे कल्याण जी, आगे बुलाऊं? हाँ हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। ऑन दिस हाउस इन पार्लियामेंट हर स्पीच हैज बीन रिकॉर्डेड and it is now the property of the house, but against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mohua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes? Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mohua speak.
ऑन बिहाफ ऑफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी एज ए स्पीकर ऑफ आवर पार्टी। एक मिनट सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्वती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग जो कुछ भी अपने वक्तव्य में देते हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्ष निर्देश, और उस अध्यक्ष डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई परपाटी उपस्थित नहीं कर रहा। अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने परंपराएं लागू की है, आपने परपाटियां लागू की है। हाँ हाँ बोले सर। सर मैंने सर आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है सर, ये जो बात किए जाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन थी, वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे एक जाने माने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट, और उसके चलते सारे छवि सबके सामने सारे तस्वीर स्पष्ट थी। सर चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। ओके सर। सर इतिहास है, आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर, जब महिलाओं के